नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर का माहौल एक अलग ही बात की ओर इशारा कर रहा है। आज हज में जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया था, उनको हज के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, वहां किस तरीके से अरकान करना, तमाम बातों को जानकारी दी गई। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार लोग भी यहां पर मौजूद हैं। मैं बात करूंगा ज्यादा से ज्यादा हज के दौरान किए जाने वाले अरकानों की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या है, किस तरीके से शुरुआत होती है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। रीवा से 91 लोग जा रहे होंगे, जैसा भी हाजी इस्तियाक ने जिस चीज से शुरुआत की, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब जैसे ही ये लोग हवाई जहाज में बैठेंगे, इनके दिमाग में केवल और केवल यही आवाज गूंजेगी, उनको हज के दौरान यही कुछ इसी तरीके से पढ़ना है। मैं आपसे तफसील से बात करूंगा, कितने लोग जा रहे हैं, कितनी तैयारियां हैं? 91 लोग रिवर से जा रहे हैं और सभी लोगों के तीनों किसी जमा हो चुकी है, उनका फ्लाइट शेड्यूल भी आ गया है जो 7 जून से 22 जून तक का है, और अब 4-5 दिन के अंदर उनकी उड़ान कब होगी इस बात की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। 4-5 दिन बचे हैं, वक्त बिल्कुल कम बचे हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि आपने तफसील से बताया, यहाँ जितने लोग हज में जा रहे थे कि वहां पर किस तरीके से अरकान करने हैं, हमें जो इस समय आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको ये बताइए, पहले तो हज के दौरान क्या चीज वाजिब है और क्या चीज फर्ज है? हज में जाने वाले हाजियों को पहले उमरा करना होगा। उमरा में 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं, एहराम का बांधना, तवाफे ज़ियारत, तवाफे किबला काबा करना, ये फर्ज है। अगर फर्ज छूटा तो उमरा नहीं होगा। और सफा मरवा की सही और हलक कराना या सर मुड़ाना, ये दोनों वाजिब हैं। वाजिब छूटे तो दम लगता है, दम के माने जुर्माना। अगर ये चारों अरकान अदा हो गए तो उनका उमरा हो गया, अब वो सादे लिबास में हो जाए। और इसके बाद हज के 5 दिन होते हैं, जो जिलहिज की 8 तारीख से 12 तारीख तक। जिलहिज की 8 से 12 तारीख का आपने जिक्र किया, संक्षेप में उस दौरान क्या करना है? उस दौरान 8 जिलहिज को मगरिब बाद हाजियों को अपने मक्का बिल्डिंग में एहराम बांधना है। अब ये हज का एहराम होगा, जैसा उमरे के लिए बांधे थे अपने इंडिया से, अब ये मक्का से बांधेंगे हज के लिए। और ये इसी एहराम की हालत में वो 12 जिलहिज तक रहेंगे। हज में 3 फर्ज हैं, 6 वाजिब हैं, 8 सुन्नतें हैं। जैसा पहले मैंने उमरे में बताया उसी तरीके से हज में है। हज की 3 फर्ज हैं, एहराम का बांधना, वकूफ़ अरफात, तवाफ़ ज़ियारत। और इसके वाजिब हैं वकूफ़ मुज़दलफा, वकूफ़ मीना, शैतान की रमी, कुर्बानी, हलक और तवाफ़ विदा। 3 फर्ज, 6 वाजिब, आपने जिक्र किया शैतान का, तो शैतान को किस तरीके से कंकड़ी मारनी है जरा ये बताइए। वहाँ इस्लाम में शरीयत के मुताबिक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब अपने बेटे की कुर्बानी दिए थे, उन 3 जगहों पर शैतान उनके बेटे को बहकाया था, उन्हीं की निशानदेही के लिए, उनकी यादगार के लिए केवल उस जगह में एक पत्थर का पिलर खड़ा है, जो 3 जगह है, 3 जगह 3 पिलर खड़े हैं, उन्हीं 3 पिलरों में ये जाने वाले हाजी 7-7 कंकड़ियां मारते हैं। पहले जिलहिज यानी 10 जिलहिज को केवल बड़े शैतान को 7 कंकड़ी मारेंगे और 11 जिलहिज को तीनों शैतान को 7-7 कंकड़ियां मारेंगे और 12 जिलहिज को भी तीनों शैतान को 7-7 कंकड़ियां मारेंगे। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की। मैं बीच में रोकूंगा, 3 दिन कंकड़ियां मारी जाएंगी, उसके बाद दुआ, क्या तीनों दिन दुआ? जी हाँ, बराबर दुआ।
दुआ के लिए 13 मकामात ऐसे हैं जहां हाजी की दुआ कबूल ही कबूल होती है। अगर वो आप सुनना चाहें या हमारे हुज्जाज कराम जानना चाहते हैं तो संग असबत वो जगह है जहां खाने काबा के कोने में रुकने में संग असबत काला पत्थर लगा हुआ है, वहां पर दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। मुल्तजम वो जगह है जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अल्लाह तक सभी अंबिया करामों ने अपने सीनों को चिमटा के अपने रुखसार को लगा के अपने हथेलियों को काबा की दीवार में लगा के दुआ मांगी थी, दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। बाब काबा वो जगह है जो काबा का दरवाजा है, उसकी चौखट पकड़ के दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। हतीम वो जगह है जहां रसूल अल्लाह के पहले खाने काबा तामीर था, अब रसूल अल्लाह के टाइम से वो जगह खाली कर दी गई, काबा उतनी जगह छोड़कर बनाया गया है और वो जगह सीमेंटेड बैरिकेड कर दी गई है, उसमें नमाज अदा की जाए दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। मिजाब रहमत वह पर नाला है जो काबे के छत का पानी हतीम में गिरता है, उसके नीचे खड़े होकर दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। रुकने यमानी में दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहिम के पास दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। सफा मरवा की सही करते वक्त दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। अरफात के मैदान में वकूफ अरफात के वक्त दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। वकूफ मुजदलफा में दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। शैतान की रमी करने के बाद मझले और छोटे के पास दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। कुर्बानी करने के बाद दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। तवाफे ज्यारत के बाद दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। मीना में दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। इस तरीके से 13 मकामात ये तो बिल्कुल तय है। जो लोग जा रहे हैं मक्के में मदीने में कहीं भी दुआ मांगे, हालांकि जो आपने बताया वो ज्यादा अफजल है, दुआ तो कबूल होगी। सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि आपको हज करने का मौका मिल रहा है, ये मौका बड़े मुश्किल से लोगों को मिलता है। मैं एक बार आपसे और बातचीत करना चाहूंगा। 68,000 का मामला भोपाल और बंबई को लेकर फंसा हुआ था, उस मसले में कुछ सुलझा हुआ? अभी तक कोई सुझाव नहीं हुआ है। ये भोपाल में बहुत ज्यादा एजिटेशन हुआ है और आरिफ मसूद जो विधायक है उन्होंने हज कमेटी के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया है, उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। देखिए, हो सकता है कि इस बीच में अगर कोई फैसला होगा, अगर कोई फैसला होगा तो इंशाल्लाह ताला सबको जो रकम में छूट दी जाएगी वो सबको 68,000 रुपया भोपाल से लेकर मुंबई तक का किराया हज यात्रियों को ये शायद परेशान करने की वजह भी हो सकती है। बहरहाल कुछ भी हो, तमाम तरीके से कितनी भी परेशानियां हो, हज यात्रियों ने तय कर रखा है पैसे चाहे जितने लगे हम हज में ज़रूर जाएंगे। मैं एक बार हज इस्तियाक से एक बार फिर से जिस तरीके से ये तमाम 91 लोग रीवा से पूरे देश से 2 से 3 लाख लोग जाएंगे, किस तरीके से जब वहाँ पहुँचेंगे क्या पढ़ेंगे, जरा आप एक बार पढ़ा था फिर से सुनाइए। हाजियों का उम्रे की नियत करने के बाद या हज की नियत करने के बाद एक ही तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यह तराना अल्लाह के लिए है। बंदा कहता है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं बेशक हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं। इसके यह मायने हैं, बाकी बहुत तफसील में बात हो जाएगी। और इस बार जो 68,000 वाली बात आपने की, कहीं कोई परेशानी व परेशान करने वाली हज कमेटी की नियत नहीं थी, केवल उनको टेंडर जो हुआ वो काफ़ी महंगे टेंडर हुआ और उसके साथ बहुत सारे रीज़न थे जिस कारण से ये डिफरेंस मुंबई और भोपाल के बीच में आया है। में जाने वाले 91 लोगों को ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। इस दौरान वहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तमाम तरीके के जो भी अरकान होते हैं उसकी जानकारी दी गई थी। हमारे साथ आयोजक मौजूद हैं। ये बताइए, आज आपने ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम यहां पर क्यों आयोजित किया था, क्या था इसमें?
देखिए जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे ही हर चीज़ों में काम करने के तरीके में बुनियादी फर्क आता जा रहा है। पहले जो आज से 10-12 साल पहले जब हज के लिए फॉर्म भरे जाते थे तो मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, पेन से भरा जाता था, लेकिन आज जो विज्ञान ने तरक्की करी है तो सारी चीज़ें इंटरनेट पे हो गई हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, आवेदन भी ऑनलाइन करना पड़ता है, सारी प्रक्रियाएं भी ऑनलाइन हो गई है, यहाँ तक कि रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ OTP आएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाती है। तो ये नए जमाने में एक मिनट आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ पर पढ़ने के लिए ऑनलाइन, जी तो अगर जिसने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है उसके लिए क्या? जी मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ गेट नंबर 37 के सामने एक दफ्तर बनाया गया है जहाँ पे आपको अपना एंड्रॉइड मोबाइल टेलीफोन लेके जाना, मोबाइल लेके जाना है और वहाँ पे अपने नंबर को वेरीफाई कराना है, उसमें OTP आएगा, OTP के आधार पे आपको बता दिया जाएगा कि आप जन्नतुल उसमें कब नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जो हज में जाते हैं वो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उम्र दराज होते हैं, जिन्होंने एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया होता है और नई तकनीकी से परिचित नहीं होते हैं, और बहुत सारे अरकान हर साल बदलते जाते हैं, वहाँ की ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है, नए नियम और नए गाइडलाइन जो आते हैं उनसे परिचित कराने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया था। और ये हमारा 15 से 20 साल पहले हमारे मरहूम हाजी अहद साहब और हाजी गयाज साहब ने मिलके जो ये हज में जाने वाले यात्री थे, जो अल्लाह के मेहमान थे, उनको वहाँ किस तरीके से अरकान अदा करना है उसकी ट्रेनिंग देने का ये सिलसिला चालू। एक नई बात निकल कर आई, जन्नतुल बकी में अगर नमाज पढ़नी है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आज हाजियों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कुछ यही दी गई। जरा तीसरा कलमा सुना दीजिए आप। सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलाहु वला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलील अजीम। जिस तरीके से कहा जाता है, मैं तो गया नहीं हूँ, जो लोग भी जा रहे हैं ट्रेनिंग करने वाले भी कह रहे हैं कुछ इसी तरीके से वहां पर पढ़ना है, पूरी तरीके से वाजिब सुन्नत जो भी है, फर्ज जो भी अरकान है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दम लगेगा, इसलिए बेहतर तरीके से आज जो ट्रेनिंग हुई उसका लाभ लीजिए और वह पूरे मुकम्मल तरीके से हज करके लौटिए। अभी आप सुन रहे थे हाजियों को, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद थे जिन्होंने बताया हज के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है। आप वहाँ जा रहे हैं हज के दौरान, जो लोग भी जा रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट ने बताया तो उस बात का ध्यान रखें और पूरे तरीके से मुकम्मल हज करके आएँ। हम सब की यही दुआ है और तमाम अपने रिश्तेदार लोगों को, जान पहचान वालों को और मुझे भी अपनी दुआ में शरीक करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आपकी बात अल्लाह ताला कबूल करें, सारे हाजियों की दुआएं कबूल करें, हम सब की भी यही दुआ है और सब हाजियों से यही गुजारिश है कि वो हम लोगों के लिए और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए अमन चैन के लिए दुआ करें। आमीन।